हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस 9th एडिशन की सीरीज़ में एनवायरनमेंट की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर नंबर 3 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, इसलिए पहला पार्ट 1 इस लेक्चर के अंदर मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आती है। देखिए, इसको हम आगे पढ़ें क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गौर से समझने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन सा फॉरेस्ट क्या होता है क्या नहीं। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में कि जो है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है क्या ना। दिमाग में तो यही आया होगा ना, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज दिस टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म और प्रकृति, ये जो इन्वायरमेंट है ना उसके आसपास का, जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट इंटर रिलेशन जो इन दोनों का आपस में है ज़मीन पे, दैट इज लैंड पे, तो ये मिलके बनाता है क्या टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी को। क्लियर हो गया। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये लैंड वाला हिस्सा, एक्वाटिक का मतलब पानी वाला हिस्सा। तो जब इस ज़मीन पे इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों आपस में तालमेल बना के रह रहे हैं तो उसे कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। अब देखिए होता क्या है कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा विश्व है, तो इसके अंदर एक जैसी आप चीज़ नहीं पाओगे। कहीं पे वैलीज़ हैं, कहीं पे बहुत माउंटेन्स हैं, कहीं पे स्लोप्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो दोनों तरीके में दिखते हैं। वहाँ के पाए जाने वाले मटेरियल में भी आप देखोगे कि वहाँ पे दिक्कतें हैं, मतलब दिक्कतें कह रहे हैं डिफरेंसेस हैं। कहीं पे देखा जाता है सॉइल अलग तरह का होता है, कहीं पे अलग तरह का होता है, और वहाँ की बायोटिक दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आप देखोगे, आप देखोगे कहीं पर भाई यूरोप वगैरह में अलग चीज़ें, इंडिया में अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड ये भी देखिए अलग अलग हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइमेटिक पैटर्न भी अलग अलग होता है। अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट, वहाँ पे पाए जाने वाली एनिमल लाइफ भी अलग अलग होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब कुछ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिमिटिंग फैक्टर है इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का वो होता है मॉइस्चर और टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब इतना समझे, अब इसी के बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले साथियों हम टुंड्रा को समझेंगे। टुंड्रा, टुंड्रा मतलब ऐसी जगह जो एकदम बंजर हो, दैट इज़ बैरन लैंड। बैरन लैंड को कहते हैं टुंड्रा। अब ये कहाँ पाया जाएगा भाई, ऐसी बंजर जगह वहीं पे होगी ना। आपके दिमाग में क्या आएगा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत सीवियर है, या तो बहुत सारा ठंडक पड़ रही है, या ऐसा कुछ है कि जहाँ पे मतलब आप सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है किसी भी प्लांट वांट का, तो उसको टुंड्रा रीजन नहीं कह देंगे, एकदम बैरन। तो अब इसको चलते यहाँ पे दो तरीके का टुंड्रा आप पाओगे। एक तो आप पाओगे जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिक, कहाँ आर्टिक, ARCTIC, और दूसरा जो आप पाओगे वो आप पाओगे एल्पाइन। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने वाली हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बहुत एक अगर आप इस चैप्टर को सही से पढ़ लें तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा जो अभी तक था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप ये जो आर्टिक देख रहे हो ना, आर्टिक टुंड्रा, ये आपको दिखेगी ऐसा कॉन्टिन्यूस बेल्ट आपको दिखेगी बिलो पोलर आइस कैप अबव द ट्री लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप जहाँ पे जो आपका जो है वो पोलर जो आइस कैप है उसके नीचे और ट्री लाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप पाओगे। अब इसमें क्या एरिया आ जाएगा, ये नॉर्थ फ्रिंज जो आपका जो है वो कनाडा का है वो आ जाएगा, उधर अलास्का आपको दिखेगा, अलास्का आ जाएगा, यूरोपियन रशिया आएगा, साइबेरिया आ जाएगा, कुछ आइलैंड ग्रुप आर्कटिक ओशन के आ जाएंगे। और साउथ पोल में अगर हम देखें तो टुंड्रा काफ़ी छोटी सी है, स्मॉल है, और ज़्यादातर वो ओशन से ही कवर्ड है। तो ये कहानी है यहाँ पे टुंड्रा की, जो आर्टिक वाली हमने बताई। अब एल्पाइन की बात करें तो एल्पाइन टुंड्रा जो है ये आपको दिखेगी बहुत हाई हाई माउंटेन्स में अबव
विद रिस्पेक्ट टू आर्टिक माउंटेन्स आर फाउंड एट ऑल लैटिट्यूड, इसलिए ये जो आप एल्पाइन टुंड्रा पाओगे वो डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस को दिखाती है। तो अब सिंपल सिंपल क्या समझे हम लोग, आर्टिक को समझे, एल्पाइन टुंड्रा को समझे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि फूल और जानवर किस तरीके के हैं, है ना, यहाँ पे फ्लोरा कैसा है और यहाँ पे फौना कैसा है। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फूल पत्ती जानवर देखने को मिलते हैं। तो टिपिकल वेजिटेशन जो आर्टिक टुंड्रा में आप पाओगे, मैंने यहाँ पे अब दो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो जो टिपिकल वेजिटेशन आप आर्टिक टुंड्रा के अंदर पाओगे वो आप पाओगे यहाँ पे, आपको दिखेंगे कॉटन ग्रास, इसके अलावा सेजेस, छोटे छोटे हीथ, विलोज, बर्चेस, लिचेंस। और जो एनिमल्स आप इसके अंदर पाओगे, एनिमल्स आप पाओगे इसके अंदर रेनडियर, उसके अलावा आप पाओगे मस्क, मस्क ऑस्क और आर्टिक हेयर, कैरिबस, लेमन, स्क्वेरल, ये सब चीज़ें आप गूगल करके देख लीजिएगा कि जो है सब क्या होती हैं। आते लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये कौन कौन से जानवरों के इन्हें नाम दे दिए। तो ज़्यादातर जो इनमें से है वो अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग लाइफ, इनकी जीवन बहुत लंबा लंबा होता है। जैसे आर्टिक विलो ना, उसका लाइफ स्पैन पता है कितना है, इतना 150 से 300 वर्ष। इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट में अगर कोई जी ले तो लंबा तो जिएगा ना। ये कैसे, अब आप कहेंगे इतनी ठंडक पड़ती है तो कुदरत इनको क्या दिया है, इन्हें कुदरत ने क्यूटिकल दिए हैं, एपिडर्मल हेयर दिए हैं जो इनको इतना बढ़िया तरीके से गर्म रखते हैं, क्या बताएं। मैमल्स भी हैं टुंड्रा रीजन में, उनकी खूब बड़ी सी बॉडी होती है, बड़ा सा साइज होता है, छोटी सी टेल होती है, छोटे छोटे कान होते हैं ताकि क्या हो कि कानों से जो हीट बाहर निकलती है वो अवॉइड हो, उसका लॉस ना हो फ्रॉम द सर्फेस। तो बॉडी जो है वो उसमें आप ऐसे जानवरों के अंदर बहुत बड़े बढ़िया से फर पाओगे ताकि बिल्कुल गर्माहट अंदर बनी रहे, कुदरत भी तो है ना, कुदरत ने खूब अच्छा से बनाया, तो आप इमेजिन कर लो कि ऐसी जगहों पे कैसे होगा। अच्छा, जो इंसेक्ट्स हैं इनकी बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल जो मतलब एक साल के अंदर ही समझ लो ख़त्म भी हो जाएंगे बहुत से बहुत, तो इंसेक्ट्स का ये सीन होता है। तो आप समझ गए टुंड्रा रीजन की हमने बात करी, अब हम एक लंबे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अलग अलग प्रकार का फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जुड़े रहिएगा दोस्तों, ये सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है साथियों, इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरह के आप बायोटिक कम्युनिटीज़ को पाओगे, ठीक है, लिविंग बींग्स को, लिविंग थिंग्स को पाओगे। अच्छी कंडीशन है, जैसे कि मान लो कि एक बढ़िया टेम्परेट कंडीशन मिल रही है, बढ़िया एक अच्छा मॉइस्चर मिल रहा है, नमी बढ़िया है, तो इससे क्या होता है कि इससे फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप होने लगती है। अब जिस तरह का भी सॉइल हो वहाँ का, मिट्टी जैसी है, क्लाइमेट जैसा है, वहाँ किस तरीके की टोपोग्राफी है, ठीक है, लैंड वगैरह किस तरह से है, चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, तो इन सब से क्या होता है कि जो ट्रीज़ हैं और उनकी घनंता, मतलब जो कितने ट्रीज़ हैं कितने हिसाब से हैं, वो सब डिफाइन होते हैं इस बेसिस पे। और फॉरेस्ट हो सकते हैं यहाँ पे एवरग्रीन भी हो सकते हैं और इसके अलावा डेसीडियस भी हो सकते हैं। तो हम चीज़ों को बहुत डिटेल से ही समझेंगे, परेशान मत होइएगा। अब इन दोनों में फ़र्क जो किया जाता है वो करा जाता है कि इन भैया पेड़ की पत्तियाँ कैसी हैं, चौड़ी पत्तियाँ हैं कि ऐसी नुकीली पत्तियाँ हैं, है ना, तो ब्रॉड लीव्ड हैं या नीडल लीव्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं अगर टेम्परेट एरियाज का केस है। तो फॉरेस्ट सिस्टम को आप क्लासीफाई करोगे मेनली तीन मेजर कैटेगरीज में। एक, सबसे पहले तो आप उनको बोलोगे, अभी मैं आपको उसे पढ़ाऊँगी, समझते चलिए, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक, एक तो हो गया कॉनिफरस फॉरेस्ट। दूसरा जो हम करते हैं वो हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, हाँ, और तीसरा जो हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आप पढ़ पढ़ के मज़े में आ जाओगे। तो कॉनिफरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, और ये सारे ही फॉरेस्ट बायोम्स जो हैं वो जनरली जो अरेंज होते हैं वो नॉर्थ से साउथ लैटिट्यूड में या हाई से लोअर एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं, समझे। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं, लेकिन उसके पहले एक डू यू नो दिया हुआ है बॉक्स, बॉक्स आपको बता दिया जाए थोड़ा मज़ा आएगा आपको। तो जो डार्ट फ्रॉक्स होते हैं उनको अपना नाम मिला क्यों, ऐसे तो ऐसे मिला कि हंटर जो है वो अपने, मतलब जो उनका एरोज हुआ करते थे वो उस पर टिप लगाते थे इन द फ्रॉक्स पॉइजन,
ठीक है। और दुखद बात है कि लोग क्योंकि इन फॉरेस्ट को काटते गए अपनी फार्मिंग के लिए, रैंचिंग के लिए, तो पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स जो थे वो रिस्क में आ गए, और ब्लू पॉइजन डार्ट जो फ्रॉग जो थे वो सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं कि अपनी पेट शॉप मार्केट की वजह से। तो खैर, ये इन फ्रॉग्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आते हैं तीन तरह के फॉरेस्ट में। सबसे पहला फॉरेस्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉनिफरस फॉरेस्ट। साथियों, इस फॉरेस्ट को हम लोग, एक आप नाम ने सुना होगा आपने, बोरियल फॉरेस्ट, तो हम लोग इसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब इसको गौर से समझते चलेगा कि जो ठंडी जगहें होती हैं, जहाँ पे ठंडक पड़ती है, ठंडी जगहें हैं और बहुत बारिश होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट होती हैं, बहुत ही लंबे लंबी ठंडक चलती हैं, लॉन्ग विंटर्स होती हैं और छोटी गर्मियाँ पड़ती हैं, शॉर्ट समर्स होती हैं, वहाँ पे हम देखते हैं इन बोरियल कॉनिफरस फॉरेस्ट को। याद रखिएगा। अब यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको आपको एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज मिलेंगी, जैसे कि स्प्रूज, फिर पाइन के ट्रीज़ वगैरह मिलेंगे। एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आप पाएंगे लाइनेक्स, वुल्फ, वुल्फ तो आप सोच ही सकते हैं ठंडी जगह पे दिख रहा है आपको, बियर, इमेजिन करिए बियर, हाँ, रेड फॉक्स, पॉर्क्यूपाइन, होता नहीं है चुक 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 उसके जो है वो निकले रहती है, नीडल टाइप की निकाल लेता है वो। उसके अलावा यहाँ पे आप स्क्विरल पाओगे, एम्फीबियंस में जैसे आप यहाँ पे हाइला पाओगे, रैना पाओगे, वगैरह वगैरह इस तरीके के। और बोरियल फॉरेस्ट के इनमें क्या होता है, ये कैरेक्टराइज्ड है बाय द थिन पॉडजॉल्स एंड आर रैदर पुअर बिकॉज बोथ बिकॉज द वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसीड स्लोली इन द कोल्ड एनवायरनमेंट एंड बिकॉज द लिटर डिराइव फ्रॉम कॉनिफर नीडल इज डीकम्पोज वेरी स्लोली एंड इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे आप जो देखिए, हर जगह की कुछ ना कुछ कमी होती हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब देखो, अब क्या है ये, हमने जो पॉडजॉल बोला क्या है, देखिए पॉडजॉल एक तरह का टिपिकल सॉयल होता है कॉनिफरस या बोरियल फॉरेस्ट में, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये बहुत मतलब ये पुअर क्वालिटी में होता है, अपनी ख़राब होता है क्वालिटी में। क्यों ख़राब होता है आपके दिमाग में यह होगा, तो भाई बात क्या है कि जैसे मान लो कि सॉयल में हम हमेशा बचपन से ये तो सुनते हैं ना कि ऊपर से पेड़ की रीव गिरी और डिकम्पोज हुई, और बढ़िया डिकम्पोज होती हैं तो बढ़िया ऊपर की जो लेयर बनती है, ठीक है, तो उससे क्या है कि बहुत बढ़िया उपज होती है। लेकिन अब बात क्या है कि ऐसे ठंडे रीजन में क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियाँ गिरती हैं, इन कॉनिफर नीडल जो लीव गिरती हैं इनकी, वो बहुत धीमे धीमे डिकम्पोज होती है ना। उसके अलावा क्या है कि जो यहाँ पे ठंडक इतनी पड़ेगी तो वेदरिंग नहीं होती है। वेदरिंग समझते ना कि भाई गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, हवा लग रही है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है, तो वेदरिंग नहीं होती है। तो इस वजह से न्यूट्रिएंट्स में इन सॉइल के अंदर कमी देखने को मिलती है। तो ये सॉइल जो है वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और मिनरल में कमी होती है, डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत भारी मात्रा में पानी हो के गुजरता है इन सॉइल से, और इसमें अच्छा इवेपोरेशन तो देखने को मिलता नहीं क्योंकि भाई ठंडक बहुत पड़ती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सोलबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम होते हैं, ये सब बह के चले जाते हैं, कभी कभी रूट से बह के चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से कोई भी एल्काइन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ताकि भाई ऑर्गेनिक एसिड जो हो उसे एनकाउंटर कर सकें, जो भाई इकट्ठा हो रहा है इन सब चीज़ों से, लिटरिंग से। तो अब क्या है कि इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं एसिडिक सॉइल्स। अब जो प्रोडक्टिविटी और कम्युनिटी स्टेबिलिटी है इन बोरियल फॉरेस्ट की, वो आप दूसरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि कंडीशंस इतनी बहुत अच्छी नहीं हैं। समझ गए? कोरियल फॉर सॉरी कॉनिफरस फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट जिनको हम कहते हैं। अब हम दूसरे तरह का जो पार्ट है उसको समझेंगे, दैट इज़ टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। ये क्या होता है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट? भाई देखो, ये जो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, ये इनमें एक मॉडरेट क्लाइमेट मिलती है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, ब्रॉड लीफ डेसीडियस ट्रीज होते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ जिनमें जिनकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं, और ये इनकी जो पत्तियाँ जब गिरती हैं तो ये ऐसे समझ लो आर बेयर ओवर विंटर्स एंड फिर से ये स्प्रिंग, मतलब बसंत का महीना जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, तो ऐसा स्प्रिंग के सीज़न में फिर से नई पत्तियाँ आती हैं और विंटर्स के जाड़ों में यहाँ पे ये पत्तियाँ गिरती हैं।
जो प्रेसिपिटेशन है ये बढ़िया होता है, ठीक है, अब बारिश वारिश बढ़िया मिल रही है इनको, पूरे साल भर यूनिफॉर्म रहती है। और सॉयल जो टेम्परेट फॉरेस्ट का है वो यहाँ पे जो आप पाओगे वो पाओगे पॉडजोलिक और फेयरली डीप पाओगे, ठीक है। सॉयल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अच्छा हमने ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट समझ लिया क्या होता है, अब हम समझेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को, ये क्या है। देखिए विश्व के कई हिस्से के अंदर जहाँ पे हम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को पाते हैं, मतलब वहाँ पे वार्म होता है क्लाइमेट, उसके अलावा ड्राई समर्स होती हैं और कूल और मॉइस्ट विंटर्स होती हैं, जहाँ पे हम ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को पाते हैं साथियों, तो यहाँ पे कॉमनली एक लो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज को पाया जाता है। और फायर यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हजार्डियस फैक्टर है इस इकोसिस्टम के अंदर, यहाँ आग वगैरह फॉरेस्ट फायर लग जाती हैं और अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट इनेबल देम टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न, ठीक है, फटाफट ये जले और फिर से अपने आप को रीजनरेट करते हैं। अब हमने ये समझा और अब हम एक डू यू नो समझते हैं, हालांकि इन सब चीज़ों को अभी हम और डिटेल से बताएंगे जब हम इंडियन फॉरेस्ट टाइप को पढ़ेंगे। फिलहाल डू यू नो समझिए, एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में ये कह रहा है कि पेंगुइन जो होते हैं ना, पेंगुइन वो वार्म ब्लडेड हैं वेल्स की तरह, जैसे वेल्स होती हैं तो पेंगुइन्स के ऊपर एक लेयर होती है फैट की इनकी स्किन के जस्ट नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं BLUBBR, दैट इज ब्लबर। और इस लेयर के ऊपर ये कवर होते हैं फ्लफी डाउन फेदर्स से और ओवर टॉप ऑफ दोस ये जो है दे हैव देयर आउटर फेदर्स जो साथ में होते हैं टू सील इन द वॉर्म्थ और गर्मी इनको देते रहते हैं। और पेंगुइन्स रब ऑयल फ्रॉम द ग्लैंड ऑन टू देयर फेदर्स टू हेल्प देम वाटर प्रूफ एंड विंड प्रूफ, क्या कुदरत है, वाह भाई वाह। चलो तीसरा समझते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट को। अब क्या है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो समझ लिया। देखिए टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ना, ये जो मिलते हैं वो आपको जो मिलेंगे एग्जिबिट करते हैं मार्क्ड सीजनैलिटी विद रिगार्ड टू टेम्परेट एंड टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अब यहाँ कैसा होगा, यहाँ को आपको रेनफॉल मिलेगा बहुत हाई होता है, फॉग बहुत हैवी पड़ता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का दैन रेनफॉल इट्सेल्फ, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर दैन रेनफॉल इट्सेल्फ। और यहाँ की जो बायोटिक डाइवर्सिटी आप टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की पाओगे वो बहुत हाई पाओगे एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। हालांकि जो डाइवर्सिटी यहाँ पे आपको प्लांट्स की एनिमल्स की दिखेगी वो काफ़ी कम होगी जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंपेयर करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो अलग ही हो गए, लेकिन तब भी टेम्परेट पुराने ये और फॉरेस्टों के कंपैरिजन में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। अच्छा यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया हुआ है डू यू नो का, कि जो फ्रॉग की टंग होती है ना वो अटैच होती है उनके माउथ के आगे वाले हिस्से से रैदर देन एट द बैक लाइन लाइक ह्यूमंस, है ना। तो जब फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को ऐसे अपने मुंह से चक से पकड़ता है ना, तो ये एक स्टिकी एक चिपचिपा सा टंग अपनी बाहर निकालता है अपने मुंह से एंड इंसेक्ट को खट से उसी में ही पकड़ लेता है। आपके सामने वो फोटो और वो वीडियो आने लग गई होगी। और जो फ्रॉग की टंग होती है जबान होती है फिर क्या करती है अंदर खट से आती है और फिर क्या करती है फूड को अपने थ्रोट के नीचे गले के नीचे खट से उतार लेती है। तो ये कहानी है, थोड़ा थोड़ा डू यू नो चलता रह रहा है बीच बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट तीसरे टाइप को सुनते हैं, वो है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ गया, हाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा यहाँ पे हमने शायद सीजनल फॉरेस्ट डाल दिया है, रेन फॉरेस्ट डालना भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को समझते हैं क्या होता है, फिर सीजनल को समझेंगे। साथियों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको इक्वेटर के पास देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये उनमें से आते हैं सबसे ज़्यादा डाइवर्स, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की कम्युनिटीज़ पूरे अर्थ के अंदर अगर आप पाओगे तो सबसे ज़्यादा रिच जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। दोनों ही टेम्परेचर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो वो पूरे साल भर बहुत हाई रहता है,
कभी ऐसा यूनिफॉर्म रहने की इसकी जो वो है वो बहुत कम है चांसेस। एनुअल रेनफॉल अगर देखें तो बहुत है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पहुंच जाता है, और जनरली पूरे साल यही देखने को मिलता है। फ्लोरा बताएं तो बहुत हाईली डाइवर्सिफाइड है, इतना पानी बरसेगा तो होगा क्या। एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन होती है, घना घना हुआ एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्टिकली इतना ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वाइन्स, क्रीपर्स, लियानन्स, एपी फाइटिक ऑर्चिड्स, ब्रोमीलियाड्स इससे ऑफन कवर्ड होते हैं। और जो लोअर लेवल होती है, जो ये एक अंडर स्टोरी ट्रीज की हैं, श्रब्स, हर्ब्स लाइक आपके जैसे फर्न्स और पाम्स, ये सब देखने को मिलेंगे। यहाँ का सॉइल कैसा होगा? सॉइल जो है वो रेड लैटोसोल्स होता है, बहुत ही थिक सॉइल होता है। हाई रेट लीचिंग का जो होता है, इसकी वजह से सॉइल जो है वो कम यूजफुल बन जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। बट व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, फटाफट से साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स की होती है उस लिटर लेयर के नीचे, वो बनती है, क्योंकि भाई डिकम्पोजिशन बढ़िया हो जाएगा ना यहाँ पे। उससे क्या होता है, फॉर द नेचुरल पॉवर्टी ऑफ द सॉइल, कैन कंपनसेट फॉर द नेचुरल पॉवर्टी ऑफ द सॉइल, इसमें काफ़ी मदद मिलती है, सॉइल थोड़ा मजबूत हो जाता है इसके चलते, अच्छे डिकम्पोजिशन के चलते। अच्छा, अंडर ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड इन मेनी एरियाज बाय द लैक ऑफ सनलाइट ऑन द ग्राउंड लेवल। अब बात क्या होती है कि जैसे ऊपर खूब सारे पेड़ हैं, ठीक है ना, अब एकदम बढ़िया से घना हुआ है, तो नीचे वाले जो पेड़ हैं ना उनको सनलाइट वगैरह नहीं मिल पाती है, तो इनकी अंडर ग्रोथ रह जाती है। इसको हमने जब आपको रिलेशनशिप्स बता रहे थे कई सारे बीच में, तो हमने आपको लास्ट वाले चैप्टर में इसको समझाया भी था, इसको एग्जाम्पल दे के। अच्छा, अब आई बात, हमने ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट जिसके बारे में लिखा है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये उन जगहों पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर टोटल एनुअल रेनफॉल बहुत हाई होता है, बट ये सेग्रीगेट होता है इनटू प्रोनाउंस वेट एंड ड्राई पीरियड्स में ही, ठीक है ना, मतलब वेट और ड्राई पीरियड्स में ही यहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल होगा। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाएंगे आप, उसके अलावा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पा जाएंगे, इसके अलावा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में आप इसको पाएंगे, आप वेस्टर्न अफ्रीका के हिस्से में आप इसको पा जाएंगे, ट्रॉपिकल आइलैंड पैसिफिक के एज वेल एज इंडिया के अंदर भी आप इसको पाएंगे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट को। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इसमें क्या हाल होता है? ये जो है ना वो होते हैं ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आपको यहाँ पे अच्छा खासा हाई रेनफॉल मिलता है, बट लेस टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम होता है विंटर और समर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पाए जाएंगे? यहाँ पे एपीफाइट्स कॉमन हैं, एनिमल लाइफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की काफ़ी वैसे ही देखने को मिलती है जैसे हम ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाते हैं, उसी तरह की मिलती है लगभग। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ से शुरू होता है जब हम इंडियन फॉरेस्ट टाइप को समझते हैं, भारत के अंदर किस प्रकार के कितने फॉरेस्ट हैं इनको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर आप देखें तो बहुत प्रकार के फॉरेस्ट हैं। केरला चले जाइए, साउथ में एल्पाइन पैशर्स, लद्दाख के अंदर, नॉर्थ में देखेंगे आप डेजर्ट देखेंगे, राजस्थान में हमारे जो वेस्ट का हिस्सा है, और एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट तो भूल ही नहीं सकते। सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, एलिवेशन, ये सब वजहें हैं जो इतने खूबसूरत देश को और खूबसूरत बनाती हैं और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें डालती हैं। तो आइए समझते हैं कि कुछ छह तरह की चीज़ों में फॉरेस्ट टाइप जो इंडिया के अंदर है, इसे चैंपियन और सेठ ने 16 टाइप्स में जो है वो बांटा है। अब 16 टाइप्स को समझेंगे तो बिल्कुल पेशेंस से समझिएगा। पहला है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, नाम से समझिएगा वेट एवरग्रीन। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के पास चल रहे हैं, इसके अलावा निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और उसके अलावा जितना नॉर्थ ईस्ट का रीजन है यहाँ पे, इसमें आप ये देखोगे कि एकदम सीधे, एकदम टॉल स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज हैं। और सबसे ज़्यादा आम और कॉमन ट्रीज जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो साथियों जैक फ्रूट के, बीटल, नॉट पाम और जामुन, मैंगो, ये सब ट्रीज मिलते हैं। ट्रीज इस फॉरेस्ट में जो है वो आपको टीयर पैटर्न में देखने को मिलेंगे साथियों, मतलब
श्रब्स जो हैं वो कवर करते हैं लेयर जो आपके ग्राउंड के ऊपर की होती है, उस पर श्रब्स दिखेंगे। उसके बाद फिर छोटे छोटे शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज रहेंगे, उसके बाद फिर आएंगे बड़े बड़े ट्रीज। तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल फर्न ऑफ वैरायटी वेरियस कलर्स एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्चिड्स जो है वो ग्रो करते हैं इन ट्रीज़ के ऊपर। खूब सुंदर सुंदर से ट्रीज़ के ऊपर आपको ऑर्चिड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, जो है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या है साथियों? देखिए, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमें वेस्टर्न घाट्स, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, इसके साथ साथ ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। और ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं ना, इनमें आपको मिक्सचर मिलेगा वेट एवरग्रीन ट्रीज का और मॉइस्ट डेसीडियस ट्रीज का भी। अब कैसे फॉरेस्ट होते हैं? ये फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं, इनमें बहुत तरह के ट्रीज़ होते हैं, दोनों ही तरीके के, चाहे वो मॉइस्ट डेसीडियस ट्रीज़ हों और चाहे वो एवरग्रीन ट्रीज़ हों। तो दोनों तरह के ट्रीज़ आप सेमी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाएंगे। अच्छा, एक बॉक्स और दिया हुआ है डू यू नो का, उसमें कहता है कि एलिफेंट्स के जो कान होते हैं ना, वो उनके कूलिंग डिवाइस का काम करते हैं। ये मेजर कर सकते हैं अप टू 2 स्क्वायर मीटर्स। एंड इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर प्रॉपर वेब होता है, जाल सा बना होता है ब्लड वेसल्स का। तो जब अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाता है ना, तो ब्लड का टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस तक से कम हो सकता है। क्या कुदरत है भाई, मैं तो हर बार यही कहने लग जाती हूँ। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट। अब ये क्या है ट्रॉपिकल मॉइस्ट? भाई देखो, जब हम मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, तो आपको ये पूरे इंडिया में देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स। ट्रीज कैसे हैं? ट्रीज हैं ऊँचे ऊँचे, लंबे लंबे, टॉल टॉल, बहुत ही ब्रॉड, इसकी चौड़ी चौड़ी जो है वो तने हैं, ट्रंक्स हैं, ब्रांचिंग जो ब्रांचिंग ट्रंक्स हैं, ठीक है, रूट्स ऐसी हैं कि वो इसको मजबूती से जोड़े हुई हैं ज़मीन से। कुछ जो इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो अपनी पत्तियाँ इनकी जो है वो गिरती हैं ड्राई सीजन में। और यहाँ पे लेयर है शॉर्टर लेस और एवरग्रीन शब्स की इन दी अंडरग्रोथ। और ये सारे फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पे साल ट्री टीक, उसके अलावा मैंगो बैम्बू रोसवुड, यहाँ पे इस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लिटोरल एंड स्वैम्प। क्या होता है? देखिए, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट ये आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास मिलेंगे, जो डेल्टा रीजन है हमारे गंगा रिवर का और ब्रह्मपुत्र रिवर का, वहाँ पर भी मिलेंगे। इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, इनमें एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू से क्या मदद मिलती है? इस टिश्यू से मदद मिलती है कि प्लांट ईजिली पानी के अंदर होने के बावजूद भी ब्रीथ कर सकता है और जी सकता है। फिर आया नेक्स्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। साथियों, जो ये ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है ना, ये आपको पूरे नॉर्थ वाला हिस्सा जो हमारे देश का है ना, वहाँ देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर। तो जो ये इतना जो छत छावना बने, कैनोपी जो ट्री की होती है ना, तो ये जो कैनोपी बनती है ट्रीज़ की, वो नॉर्मली 25 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रीज़ जो होते हैं वो होता है साल का पेड़, बहुत सारे अकेशिया बैम्बू, इन सब के पेड़ जो होते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इस तरह का फॉरेस्ट आप पाओगे जहाँ पे ब्लैक सॉयल देखने को मिलता है। रीजन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट का इलाका, सेंट्रल का इलाका और साउथ इंडिया का इलाका। ये ट्रीज़ 10 मीटर से ऊपर नहीं उगते, और स्पर कैपर कैक्टस ये सब टिपिकली इस रीजन में पाए जाते हैं। थॉर्न मतलब समझ लो कांटा, सोच लो। अच्छा, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। साथियों, जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ये आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है अलोंग दी तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उसके साथ कर्नाटका के कोस्ट पे सब देखने को मिलेगा। बहुत ही हार्ड सी लीफ होती है, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, खूबसूरत खुशबू वाले फूल होते हैं, अलोंग विद द फ्यू डेसीडरियस ट्रीज भी आप यहाँ पे पा जाओगे। फिर आई बात आगे, और हमने बात करी सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ्ड फॉरेस्ट की। ये क्या होते हैं साथियों? तो ये जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हैं, ये आपको ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेंगे अलोंग विद द साइलेंट वैली, ठीक है,
अलॉन्ग विद द साइलेंट वैली। यहाँ पे एक डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन इन दोनों ही एरियाज में कि साइलेंट वैली वाले जो हैं वहाँ पे जो पून्स पर हैं, सिनेमम है, उसके अलावा रोडोडेंड्रॉन है, फ्रैगेंट ग्रास हैं, ये बहुत देखने को मिलती हैं। और वही जगह जो आपका ईस्टर्न हिमालय है यहाँ पे जो ये आपके पेड़ मिलते हैं वो बैडली अफेक्ट होते हैं बाय द शिफ्टिंग कल्टिवेशन कि भैया आए यहाँ पे उगाया फिर पेड़ काटे और यहाँ पे एग्रीकल्चर की आग लगाए भाग गए, है ना, फॉरेस्ट फायर की वैसे यहाँ बहुत अफेक्ट हो जाता है ईस्टर्न हिमालयस में। तो ये जो वेट फॉरेस्ट है ना ये मेनली होते हैं यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलता है, कुछ इसमें डेसिड्रियस ट्रीज भी आप पाएंगे जैसे कि यहाँ पे ओक, ऑल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी ट्रीज, बहुत सारी वैरायटी ऑर्चिड की, बैम्बू की, क्रीपर्स की आप यहाँ पे पाओगे। ये क्या हमने बात करी सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव फॉरेस्ट की। फिर आई बात सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट की। देखिए पाइन फॉरेस्ट जो है ना वो आप बहुत ही स्टीप ड्राई स्लोप्स जो हमारी शिवालिक हिल की है यहाँ पाते हो, वेस्टर्न में पाते हो, सेंट्रल हिमालयाज में भी पाते हो, इसके अलावा खासी, नागा और मणिपुर हिल्स में पाते हो। तो जहाँ पे भी जो पेड़ हैं उसमें ज़्यादातर आप चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन और पाइन वगैरह पाओगे एज वेल एज साल, आंवला और लेबुर्नम, ये आपको लोअर रीजन्स में देखने को मिलेंगे। फिर आया सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो भाई ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्मली जो होते हैं ना इनका वो बहुत लंबे वक्त तक हॉट और ड्राई सीजन और कोल्ड विंटर में रहते हैं। ये जनरली यहाँ पे देखा जाए तो एवरग्रीन ट्रीज हैं, इसकी खूब पत्तियाँ शाइन करती हैं, चमकती हैं विद अ वार्निश लुक, चमकता हुआ बिल्कुल। ये फॉरेस्ट आपको शिवालिक हिल्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में पाएंगे अप टू दी 1000 मीटर्स। फिर आई बात माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की। साथियों नॉर्थ में माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट ये आपको ईस्ट ऑफ नेपाल में देखने को मिलेंगे इनटू मतलब ऐसा रीजन जो कि है टू द ईस्ट ऑफ नेपाल इन द अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आप मिनिमम रेनफॉल मिल कम से कम तो 2000 mm की तो होती है। और नॉर्थ में यहाँ पे 3 layers ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, एक हायर लेयर होती है, इसमें हायर लेयर में तो आप समझ जाओ ऊपर है सबसे तो कॉनिफॉरेस्ट होगा, मिडिल में डेसिडियस होंगे जैसे कि ओक वगैरह, और लोवेस्ट में एक जो लोवेस्ट लेयर होती है वो रोडोडेंड्रॉन वगैरह से, इसके अलावा चंपा वगैरह से, चंपा ट्री से क्लियर होती है मतलब वहाँ होती कवर होती है। अच्छा साउथ में यहीं पे ही साउथ में ये आपको ज़्यादातर नीलगिरी हिल्स के पार्ट में मिलते हैं एंड द हायर रीचेस ऑफ केरला। इसके अलावा द फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन ये काफ़ी डेंस होते हैं देन द साउथ रोडोडेंड्रॉन एंड बहुत सारे ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पे आप देख पाओगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं जो कि है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। साथियों इस तरह के जो फैले हुए हैं ना ये फैले हैं फ्रॉम दी वेस्टर्न हिमालयाज से लेके ईस्टर्न हिमालयाज तक फैले हुए हैं, कौन से हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये ट्रीज ये पेड़ आपको जो दिखेंगे वो वेस्टर्न सेक्शन में जो आपको दिखेंगे जहाँ पे पेड़ जो होंगे वो होंगे काफ़ी चौड़े, ब्रॉड लीव्ड ओक मिलता है, ब्राउन ओक मिलता है, वॉलनट, रोडोडेंड्रॉन वगैरह। और वही जगह ईस्टर्न हिमालय में जो रेनफॉल है बहुत हैवी होता है इसलिए वेजिटेशन भी बहुत घनी और बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सारी वैरायटी ब्रॉड लीव ट्रीज की, इसके अलावा फर्न्स की, बैम्बू की आप यहाँ पाओगे, और इसके साथ साथ कॉनिफोरस ट्रीज भी यहाँ पाते हो आप। तो कुछ वैरायटी जो है वो खैर अलग होती हैं जो आपको साउथ में मिलती हैं उसके कंपैरिजन में, लेकिन कॉनिफोरस ट्रीज भी आप यहाँ पे पा जाओगे। नेक्स्ट जो इसी हिमालय के अंदर है वो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इस तरह का जो है फॉरेस्ट वो आप लाहौल में, किन्नूर में, किन्नौर में, सिक्किम में, दूसरे पार्ट ऑफ हिमालयस में देखने को पाओगे। ये यहाँ पे ज़्यादातर आपको कॉनिफोरस ट्रीज मिलेंगे, आप सिक्किम सोचो, ठंड सोचो तो आप खुद ही इमेजिन कर लोगे, ब्रॉड लीव्ड है जैसे कि ओक, मैपल, ऐश की, और जैसे ऊपर जाओगे हायर एलिवेशन पे आपको फिर जूनिपर, दियोदर, चिलगोजा वगैरह देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब एल्पाइन फॉरेस्ट की। तो साथियों ये फॉरेस्ट आपको कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलते हैं बिटवीन 2900 टू 3500 मीटर्स।
और वेस्टर्न हिमालय में तो वेजिटेशन में मेनली जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो, ब्लैक करेंट देखने को मिलता है। वही जगह ईस्टर्न वाले पार्ट में रेड फिर, ब्लैक जूनिपर, बर्च, लार्च वगैरह कॉमन ट्रीज यहाँ हैं। अब चूंकि बारिश बहुत होती है और काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी भी पड़ती है, तो जो टिम्बर लाइन है इस पार्ट में वो बहुत हाई है देन दी वेस्ट कंपेरेटिवली। रोडोडेंड्रॉन बहुत सारी स्पीशीज़ कवर करती है, मतलब रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे बहुत सारा पाओगे आप इसके अंदर। अच्छा, फिर आता है मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब। ये क्या है? देखिए, जो मॉइस्ट एल्पाइन है ना, ये आपको हिमालयास के साथ ही मिलते हैं एंड हायर हिल्स में मिलते हैं, म्यांमार बॉर्डर के पास में। इसमें बहुत ही छोटे छोटे लो स्क्रब हैं, डेंस बहुत घनी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। मेनली आप रोडोडेंड्रॉन पाओगे, बर्च पाओगे, मोसेस और फर्न्स भी ग्राउंड पे कवर करते हैं, पैचेस में थोड़ी थोड़ी जगह पे पाओगे। ये रीजन जो है वहाँ हैवी रेनफॉल होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्राई एल्पाइन श्रब की स्क्रब की बात करते हैं, तो ये आपको करीब मिलते हैं अबाउट 3000 मीटर्स से लेके 4900 मीटर्स के आसपास के हाइट पे। छोटे छोटे प्लांट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, मेनली ब्लैक जूनिपर, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ड्रूपिंग जूनिपर, हनी सकल और विलो। तो एक सवाल उठता है कि मैम आखिरकार ये फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इतने तरह के, तो आपने बता दिए, आधे तो याद रहे आधे तो नहीं रहे। तो जो सांस हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो पेपर हम यूज़ करते हैं, जो लकड़ी हम यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें सब कुछ देता है। फॉरेस्ट हमें नेचुरल बैलेंस बना के रखता है इस पूरी पृथ्वी का। फॉरेस्ट ही इस हवा को, प्रदूषित हवा को प्योरीफाई करता है, माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्टली यही प्रेसिपिटेशन का कारण है। सोचो ना कैसे इवेपोरेशन और सब कुछ होता है ना। फॉरेस्ट जो है वो प्रिवेंट करता है फ्लड्स को, उसकी जड़ें रोक के रखती हैं, बाढ़ नहीं आती। फॉरेस्ट से सॉइल इरोजन नहीं होता। फॉरेस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिन बनती न जाने कितनी। फॉरेस्ट हमें फ्यूल टिम्बर प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट हमें रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज़ को। तो ये सारी तो क्वालिटीज़ कौन बोल सकता है फॉरेस्ट की। फिलहाल हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे साथ मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ साथ। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें आप फेसबुक पे वीडियोस पा सकते हो तो आप देख सकते हो। बाकी डेली क्वेश्चंस और सब मोटिवेशन वगैरह और हर जगह पाओगे, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।